सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज सुबह से ही लगातार आप देख रहे हैं। इसी बीच में बड़ी जानकारी आपको दे दें, ज्ञानवापी में तहखाने में आज का सर्वे पूरा हुआ, पश्चिमी दीवार की वीडियोग्राफी का काम भी पूरा हुआ। कल भी इसी व्यवस्था के साथ, जैसी व्यवस्था आज थी ठीक उसी व्यवस्था के साथ सर्वे होगा। परसों भी सर्वे हो सकता है ऐसी जानकारी है, कल तो सर्वे होगा ही होगा। परसों को लेकर भी जानकारी यह है कि परसों भी सर्वे जारी रह सकता है। बड़ी जानकारी आपके सामने, ज्ञानवापी तहखाने में आज का सर्वे का काम पूरा हुआ। 4 कमरों का जो सर्वे है वो पूरा हो चुका है, ये कहा जा रहा है। 40% तक सर्वे हुआ है ये कहा जा रहा है। कल भी सर्वे होगा, परसों भी हो सकता है। भारी सुरक्षा के बीच में सर्वे का काम आज का कंप्लीट हो गया है। अब देखिए, सर्वे का काम पूरा होने के बाद, आज का जो सर्वे पूरा हुआ उसके बाद हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। आज जब आप अंदर गए तो क्या देखा? अंदर मैं गया तो वही पूरा मिट्टी गिरी पड़ी थी, पहले कोई मतलब काफी दिनों से बंद होकर मरम्मत तो होती नहीं है, तो उसी तरह से पड़ा हुआ था। तहखाने में मूर्तियां थी? नहीं, मिट्टी थी, मिट्टियां थी, मिट्टी थी, मिट्टी थी और कुछ नहीं था। अच्छा, जो खंभे थे वो कैसे थे जो आप बता रहे? खंभे पत्थर के थे, खड़े पत्थर के खड़े खंभे। हाँ, उन पर कुछ आकृतियां भी दिखी हैं? कुछ नहीं आपको दिखी। एक और चीज जानना चाहेंगे कि ये जो सर्वे है ये कल भी होगा? हाँ, कल 8 बजे से। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट में भी जा रहे हैं आप लोग इस पूरे? सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है, एक सप्ताह बाद। ये कहा गया कि एक सप्ताह बाद पहले मामले की पूरी जानकारी? हमको पता नहीं है, हमको इतना सुना कि दाखिल है। आज सर्वे हुआ है, कि सर्वे की तस्वीर हम जानना चाहेंगे क्या रहा? सर्वे वकील कमिश्नर ने अपने गाइडलाइन से कराया है, सब लोगों ने सहयोग किया और सर्वे हुआ। 4 घंटे हुआ है, 8 से 12, कल फिर होगा। क्या क्या सर्वे में कहां टीम पहुंची? तहखाने देखे गए और बाहरी सब हो गया है, अब अंदर का कल होगा। शुरुआत कहाँ से हुई? तहखाने से ही शुरुआत हुई? तहखाने से शुरुआत हुई। तो तहखाने का जो सर्वे पूरा हो चुका है? तहखाने पूरा हो गया कुछ। अच्छा, जो चीज़ें मुझे अभी तक जो चीज़ें इशारों में सामने, अब तक क्या साक्ष्य, आपको क्या लग रहा है क्या साक्ष्य? आप भी साथ में मौजूद। देखिए, सब वो पत्थर के पहले जमाने के पत्थर पे पूरा इमारत खड़ी है, और पत्थर है, पत्थर में कहीं उठा है, कहीं गीला है, कुछ है, यही है, और कुछ है थोड़ी वहाँ। तो आज आप लोग भी एकदम पूरी तरह से सहयोग की मुद्रा में थे? हम लोग खाने की चाबी न मिलने की बात कही जा रही थी, तो आज का नहीं, चाबी मेरे पास थी, अंजुमन के पास थी। अंजुमन के एम्प्लॉज ने हम लोग की मौजूदगी में ताला खोला है, ताला बंद किया, सब वीडियोग्राफी हुई है। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया, अभी आगे सर्वे होगा तो पता चलेगा। पिछली बार जिस तरह से असहयोग के आरोप थे, बहुत प्रशासन ने पूरा सहयोग किया और विपक्ष ने भी पूरा सहयोग किया। आदि प्रतिवादी सभी लोग मिल करके अच्छे वातावरण में आज का सर्वे हुआ। अच्छा, कितना परसेंट हुआ सर्वे? जो हुआ सकारात्मक हुआ, कल फिर 8 से 12 होगा, कल्पना से ज्यादा प्रभाव, बस इतना काफी। आज कहीं किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आया, सुचारू रूप से सर्वे काम कमीशन चल रहा है, और कल के लिए जो है आने में गए थे सुभाष जी, आने में भी गए, सारे साक्ष्य गोपनीय है, मेरे साक्ष्य न्यायालय का। अच्छा, जो बातें आप कह रहे थे कि मंदिर के भीतर तहखानों में है, ठीक है, सब जितने भी साक्ष्य आ रहे हैं सब गोपनीय है, इसलिए इसको डिस्क्लोज नहीं किया गया या तोड़ना पड़ा? नहीं, कुछ ताला खुल गया, जो ताला खुला चाबी थी। जो प्रमाण आप कह रहे थे कि अंदर ये चीजें हो सकती, प्रमाण है, लेकिन क्या है ये माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा। प्रमाण न्यायालय में प्रस्तुत, बिल्कुल अपने पक्ष में है, सारे साक्ष्य अपने पक्ष में है। ऑर्डर की जो कंप्लायंस हो रही है, ड्यू कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। देखिए, वो एडवोकेट कमिश्नर का कंडक्ट है, हम उसको कुछ क्वेश्चन नहीं कर सकते। पक्ष के लोग सहयोग कर रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूँ अनुपालन हो रहा है, स्मूथली हो रहा है, न्यायालय का सम्मान कीजिए। सर्वे बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से, दोनों पक्षों की सहमति से, प्रशासन के सहयोग से, बहुत ही निष्पक्ष रूप से करवाया गया है, और सर्वे की रिपोर्ट भी सबके सामने आएगी। ताले खोल के हुआ जी नहीं, देखिए कुछ ताले खोले गए, कुछ ताले तोड़ने पड़े, दोनों ही चीजें थी। तो
तो दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं वो आपको हमने सुनवा दिया है। अब हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि आज जो सर्वे हुआ है उसमें साक्ष्य मिले हैं, उससे वो ये उम्मीद लगा रहे हैं कि वहां पर उनके हक में चीजें मिली हैं। इसी पर वीरेश पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मौके पर वो लगातार आपने देखा सुबह से किस तरीके से तस्वीरें उन्होंने दिखाई हैं, वहां पर सुरक्षा किस तरीके से कड़ी थी, प्रतिक्रियाएं किस तरीके से आई। वीरेश जी देखिए, आज का सर्वे का काम पूरा हो चुका है, ये कहा जा रहा है कि 40% तक सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अब इस वक्त क्या ताजा जानकारी आपके पास है और वहां के लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने क्या कहा, वो बातें हमने सुना दी हैं दर्शकों को। देखिए, लोगों का जो रिएक्शन है वो ये ऐसा है कि शांत और सौहार्दपूर्ण तरीके से आज जिस तरीके से प्रशासन ने सर्वे का काम कराया है और इसे पिछले जुमे को शुक्रवार को किया जाना चाहिए था, लोगों का कहना है ये उत्पात और इस तरह की बद इंतजामी नहीं होनी चाहिए थी। इस प्रशासनिक अमले के ऊपर ये आरोप पिछले हफ्ते लगाया गया था और आज भी कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरीके से आज सर्वे हुआ है सौहार्दपूर्ण तरीके से, कोई हो हल्ला नहीं हुआ है, तो ऐसी व्यवस्था हमेशा होनी चाहिए। और जो माना जा रहा है, पुलिस कमिश्नर सतीश गणेश का एबीपी गंगा से साफ कहना था कि सर्वे आज हुआ है, कल भी हुआ है, परसों भी होगा, तो इस तरीके से पूरी कानून व्यवस्था के साथ होगा। उनका ये भी कहना था कि जो मुस्लिम पक्ष है, हिंदू पक्ष है, वो पूरी तरीके से इस बात पर मुतमईन है कि प्रशासन निष्पक्ष तरीके से सर्वे करा रहा है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो सर्वेयर हैं, चाहे जो पिछली बार के जो सर्वे करने आए थे, चाहे अजय मिश्रा हों, उनके ऊपर आरोप भी लगे थे बहुत सारे, उसके बाद से दो और उनको असिस्ट करने के लिए सर्वेयर की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन सबसे खास बात आज ये रही कि कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा, एक दूसरे से मिलजुल कर ये सर्वे हुआ है। और सतीश गणेश का कहना है, दीपक अग्रवाल जो मंडलायुक्त हैं उनका भी कहना है कि इस तरह का काम कल भी होगा, परसों भी होगा, और पूरी व्यवस्था जैसा कि एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाया कि चाक चौबंद व्यवस्था हर तरफ थी और सुरक्षा के इंतज़ाम इस कदर थे कि हर घर के ऊपर शार्प शूटर थे, बीएसएफ, सीआरपीएफ और साथ ही आरएएफ, यूपी पुलिस और जो पुलिस के जो पीएससी के जवान हैं वो गली गली मौजूद थे, हर घर पर, हर छत पर थे। यही वजह है कि जब एक बार एबीपी गंगा की टीम ज्ञानवापी मस्जिद के करीब पहुंची और कोशिश किया हमने कि कुछ तस्वीरें दिखा सके, तो हमने अगर 5 मिनट दिखाया, उसके बाद सीआरपीएफ के जवान आ गए और हमसे आग्रह उन्होंने किया और अपना हल्का बल भी प्रयोग किया जो उनकी ताकत है और उन्हें करना भी चाहिए और वो कानून व्यवस्था के लिए रखे गए हैं, फिर उन्होंने हटाकर हमें वहाँ ले जाकर रखा। लेकिन 1 किलोमीटर जो गेट नंबर 4 है उसके गोदौलिया साइड में और 1 किलोमीटर चौक साइड में हमें या मीडिया को और लोगों को रोक दिया गया था, केवल वादी प्रतिवादी पक्ष विपक्ष, मुस्लिम पक्ष, हिंदू पक्ष और पुलिस के लोग, जवान और अधिकारी यही मौजूद थे। और अभी तो ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज का वक्त आ गया है तो जो नमाज के जो नमाजी हैं वो अंदर धीरे धीरे करके जा रहे हैं और जो हिंदू पक्ष के लोग हैं वो बाबा विश्वनाथ का दर्शन करते हुए अपने घर जा रहे हैं। कल का इंतज़ार कर रहे हैं कि कल सुबह 8 बजे से पहले 7:30 के करीब वो इकट्ठा होंगे चौक थाने पर, और चौक थाने पर इकट्ठा होकर एक एक करके मुस्लिम पक्ष हों चाहे हिंदू पक्ष हों वो फिर ज्ञानवापी मस्जिद के उस गर्भगृह के नीचे तहखाने में जाएंगे, तहखाने के अंदर जो सर्वे का काम अधूरा रह गया उसे पूरा करने का काम करेंगे। जो खास बात आज सर्वे की रही, जब प्रशासन के एक बड़े आला अधिकारी ने बताया कि पश्चिमी जब द्वार का वीडियोग्राफी हो रहा था उस वक्त कुछ हलचल जो मुस्लिम पक्षकार थे उनको उनके अंदर देखने को मिली, उन्होंने आरोप भी लगाया या हम कह सकते हैं प्रतिरोध किया उन्होंने कि जरा सर्वे अच्छे तरीके से किया जाए, इसको संभाल कर किया जाए। और ख़ास बात आज ये रही कि जब मुस्लिम पक्ष ने इस बात का आग्रह किया, चाहे पुलिस कमिश्नर हों दीपक अग्रवाल जो मंडलायुक्त हैं वो हों, चाहे कौशल राज शर्मा जो यहाँ के जिलाधिकारी हों उनसे और सर्वे की टीम से, कि सभी लोग हाथ मुंह धोकर और स्वच्छ तरीके से धार्मिक स्थान पर जाएं, तो इस बात को सभी ने माना और मानते हुए इस बात को उन लोगों ने धार्मिक रीति रिवाजों का पूरी तरीके से पालन किया।
एक बार अपने कैमरे की नज़र से ज़रूर दिखाऊंगा कि जो गेट नंबर 4 है और ज्ञानवापी के आसपास की वो तस्वीरें हैं, आखिर वहाँ किस तरह की हलचल है। ज़्यादा से ज़्यादा तो मीडिया की टीम दिखाई दे रही है, जनता एक एक करके, चूँकि जनता को ये पता है कि जो आसपास का इलाका है वो सील कर दिया गया था, तो ऐसे में धीरे धीरे काशी की जनता टेलीविज़न स्क्रीन के माध्यम से, टेलीविज़न के ज़रिए, मीडिया के माध्यम से वो जान रही है कि अब वो सारे जो बैरिकेटिंग थी, वो जो बैरियर था उसे हटा दिया गया है। बैरियर लगा है तो गेट नंबर 4 के आसपास लगा है कि इधर से अभी कोई जा नहीं पा रहा है। ये VVIP गेट है, बावजूद इसके गेट नंबर 4 से अभी किसी को जाने की अनुमति नहीं दी गई है। गेट नंबर 1 सुबह से खुला था, गेट नंबर 2 खोल दिया गया है और गेट नंबर 3 को भी खोल दिया गया है, लेकिन VVIP गेट नंबर 4 को अभी नहीं खोला गया है। और ज्ञानवापी में जाने का जो रास्ता है उस रास्ते को खोल दिया गया है, नमाज करने वाले लोग नमाज अदा कर रहे हैं और साथ ही जो हिंदू धर्मावलंबी हैं बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर, आप देख रहे होंगे कि हाथों में पुष्प लेकर, फूल माला को लेकर जा रहे हैं। ये जो दुकान जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये यहाँ की बहुत प्रसिद्ध दुकान है, बहुत फेमस दुकान है, और यहाँ पर ये दुकान सवेरे से बंद थी, लेकिन फूल माला यहाँ सज चुका है, रुद्राक्ष भी सज चुका है, और जो भी प्रसाद बाबा विश्वनाथ का जो वो प्रसाद है उसे भी रखा गया है। और ये बमुश्किल अभी 20 मिनट पहले खोला गया, यही वजह है कि ये अभी झाड़ू पोछा साफ़ सफाई का काम भी यहाँ चल रहा है। जो भी चीज़ें ये पीतल के रखे गए हैं इसे करीने से संवार कर रखा जा रहा है। ये बाबा विश्वनाथ गेट नंबर 4 के सामने की दुकान बहुत प्रसिद्ध दुकान है, कई बार हमने यहाँ से ख़रीदारी की है और फूल माला और इसमें यहाँ पर सब कुछ मिलता है और यहाँ से ले जाकर बाबा का दर्शन करके चढ़ाया गया है। तो इस तरह की केवल अभी एक दुकान खुली हुई है और अगल बगल की दुकान सवेरे से जो बंद है वो भी धीरे धीरे खुलेगी। तो जो गोदौलिया से लेकर चौक तक का इलाका है वहाँ की कोई दुकान सुबह से नहीं खुली थी, गलियों की दुकानें भी बंद कर दी गई थी, फूल मालाओं की भी दुकानें बंद कर दी गई थी, रुद्राक्ष प्रसाद की दुकानें बंद कर दी गई थी, लेकिन यहाँ की दुकानें अब खोल दी गई हैं, एक एक करके खुल रही हैं, लेकिन कई दुकानें अभी, ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। और अपने टेलीविज़न स्क्रीन पे ज़रूर दिखाऊंगा कि गेट नंबर 4 के आसपास जो मुख्य द्वार है उसके आसपास की जो बाज़ार हैं उसके क्या हालात हैं। ये सब अभी बंद हैं, सबके शटर गिरे हुए हैं और जो दर्शनार्थी हैं वो गेट नंबर 1, गेट नंबर 2, गेट नंबर 3 से अंदर जा रहे हैं। कोई VVIP दर्शन नहीं हो रहा है, जी हाँ, कोई VVIP दर्शन नहीं हो रहा है। अगर कोई VVIP साहब हैं तो उन्हें गेट नंबर 1 से जाना होगा, गेट नंबर 2 से जाना होगा, गेट नंबर 3 से जाना होगा, लेकिन जो उनका गेट है वो VVIP साहब गेट नंबर 4 से अंदर नहीं जा पाएंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे आप तो मीडिया की टीम मौजूद है और जो सुरक्षाकर्मी हैं वो मौजूद हैं, कमांडो भी थे, कमांडो को मैं दिखाऊंगा अपने कैमरे की नज़र से। जब हमारे जो छायाकार हैं उन्होंने कोशिश की कि इस गुंबद को दिखाया जाए, नज़दीक से दिखाया जाए, तो बगल में बैठे हुए कमांडो ने मोर्चा संभाल लिया और तुरंत आकर आनन फानन में उन्होंने कहा कि ये हिमाकत आप मत करिए, ये देखिए NSC के कमांडो भी मौजूद हैं। तो सुरक्षा का ये जो आलम है बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का, उसका एक नज़रिया है। इंस्पेक्टर साहब भी बैठे हुए हैं और NSG के जो अधिकारी हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, NSG के कमांडो मौजूद हैं, शार्प शूटर मौजूद हैं, ये सुरक्षा का आलम है। और साथ ही गेट नंबर 4 पर जो सुरक्षाकर्मी हैं उन्हें भी ज़रूर दिखाना चाहूँगा कि वो भी हर हर महादेव के त्रिशूल लगे हुए उस त्रिशूल के नीचे खड़े हैं, प्रहरी हैं, और वो पहरा दे रहे हैं कि कोई अंदर न जा सके। और बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन करने आए हुए जो दर्शनार्थी हैं जिन्हें आज सुबह से थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि गेट नंबर 1 ही खुला था, उसके ज़रिए वो अंदर गए थे, तो ये देखिए कुछ बुज़ुर्ग हैं जिन्हें अंदर से निकाला जा रहा है VVIP के रास्ते से, क्योंकि ये रास्ता तो बंद है, लेकिन चूंकि वो जिस स्थिति में हैं इस स्थिति में उनके ऊपर प्रशासन ने ज़रूर ये कहा है कि इन्हें बाहर इस तरह से निकाला जाए, सहूलियत हो, मानवता के नाम पर इनको इस तरह की व्यवस्था दी गई है। फिर एक बार अपने टेलीविज़न स्क्रीन से ज़रूर दिखाना चाहूँगा गेट नंबर 4 ज्ञानवापी के इर्द गिर्द किस तरह का माहौल है, किस तरह की जो परेशानियाँ हैं,
जो सुविधाएं हैं, जो सुरक्षा है, लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, नमाजी हैं, ज्ञानवापी है, बाबा विश्वनाथ धाम है, और साथ ही साथ जो प्रदेश के अन्य कोने से आए हुए लोग हैं, साधु हैं, बिल्कुल, संत बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, ये तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं बहुत बड़ी संख्या में, ये तो काशी है, यहाँ पर हर रोज श्रद्धालु पहुंचते हैं और आज भी पहुंचे हुए श्रद्धालु, तस्वीरों में भी हम देख सकते हैं 1, 2, 3 जो गेट है वो खोल दिए गए हैं और 4 नंबर गेट के आसपास अभी भी सुरक्षा कर्मी मुस्तैद हैं, अभी भी नजर रखी जा रही है। हालांकि सर्वे खत्म हो चुका है, कल फिर से सुबह 8 बजे से सर्वे की शुरुआत हो जाएगी, फिर वही कड़ा पहरा यहाँ पर होगा, फिर से वही पुख्ता इंतजाम देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी धीरे धीरे स्थितियों को नॉर्मल किया जा रहा है, जैसे कि तस्वीरें वीरेश दिखा रहे थे। आज के दिन का सर्वे कंप्लीट हो गया है, 4 घंटे तक 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे का पूरा काम चला, जो बैरिकेटिंग वहां पर लगाई गई थी उस बैरिकेटिंग को लगातार हटाया जा रहा है, अब स्थितियां वहां पर नॉर्मल हो रही है, श्रद्धालुओं को आगे आने की एंट्री मिल गई है, जो दुकानें वहां पर आसपास बंद करवाई गई थी 1 किलोमीटर के दायरे में, धीरे धीरे वो दुकानें खुल रही है, तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। कल भी ठीक इसी तरीके से बैरिकेडिंग लगा करके वहां पर टीम पहुंचेगी और सर्वे का काम आगे बढ़ाया जाएगा, कल भी सर्वे होना है। आज क्या कुछ हुआ है सर्वे में वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। सबसे पहले टीम पहुंची, तहखाने के अंदर गई, वहां पर दरवाजे खोले गए, उसके बाद 4 कमरों में सर्वे कंप्लीट आज का हो चुका है। अब कल देखना यह होगा कि कल का सर्वे अब किस तरीके से आगे बढ़ता है। आज प्रशासन ने यह कहा कि सब कुछ नॉर्मल रहा और सभी ने साथ दिया, सभी के साथ की वजह से ही आज का जो सर्वे है वो शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। हर एक तस्वीर पर लगातार हमारी नजर है, सर्वे जब से शुरू हुआ उससे पहले से लेकर के सर्वे खत्म होने के बाद तक हर एक जानकारी, हर एक अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं। आगे भी जो जानकारी मिलेगी इस पूरे मामले को लेकर उससे आपको रूबरू करवाएंगे।